हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दिस चैनल आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम बच्चों को नंबर्स किस तरीके से लिखना सिखा सकते हैं क्योंकि हम नर्सरी क्लास के बारे में पढ़ रहे हैं तो नर्सरी क्लास में वन से फिफ्टी तक के नंबर्स इंक्लूड होते हैं जिसमें वन से फिफ्टी तक नंबर्स का राइटिंग वर्क काउंटिंग मिसिंग नंबर्स एंड सिक्वेंसिंग ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं ये सारी एक्टिविटीज़ नर्सरी क्लास में बच्चों को नंबर्स में करवाई जाती है नंबर्स लिखना सिखाने से पहले बच्चों को नंबर्स लर्न होना जरूरी है क्योंकि जब तक अगर बच्चों को नंबर्स लर्न नहीं होंगे वो लिखना नहीं सीखेंगे जैसे हमने अल्फ़ाबेट में देखा था अल्फाबेट लिखना सिखाने से पहले उन्हें लर्न होना चाहिए उसी तरीके से नंबर्स लिखना सिखाने से पहले एटलीस्ट उन्हें वन से टेन तक के नंबर्स लर्न होना चाहिए अब बच्चों को नंबर्स लर्न कैसे करवाएं नंबर्स लर्न करवाने के लिए सबसे सिंपल एंड इजी वे है आपके फिंगर्स का यूज़ करके आप फिंगर्स का यूज़ करके इजीली बच्चों को नंबर्स लर्न करवा सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इस तरीके से हम हमारे टेन फिंगर्स का यूज़ करके ईजीली बच्चों को नंबर्स लर्न करवा सकते हैं उसके अलावा आप नंबर सॉन्ग जो आता है उसके थ्रू बच्चों को नंबर लर्न करवा सकते हैं थर्ड थिंग आप टॉयज का यूज़ करके नंबर्स लर्न करवा सकते हैं आप टॉयज दे दें और उन्हें काउंट करने के लिए दे तो उससे बच्चे वन से टेंथ तक के नंबर्स ईजिल सीख जाएंगे या फिर अगर आपके पास नंबर्स वाले टॉयज़ अवेलेबल हो तो आप उनके थ्रू उन्हें नंबर सिखा सकते हैं जब बच्चों को नंबर्स लर्न हो जाए वन से टेंथ तक के उसके बाद हम उन्हें राइटिंग वर्क करवाएंगे राइटिंग वर्क में वन से फिफ्टी तक का राइटिंग वर्क इंक्लूड होता है लेकिन हमें डायरेक्टली वन से फिफ्टी तक नहीं करवाना है हमें वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप पहले वन से टेंथ तक के नंबर्स लिखना सिखाना है आफ्टर दिन हम इलेवन से ट्वेंटी पर मूव करेंगे तो इस तरीके से जब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो बच्चे इजीली सीख जाएंगे नंबर्स लिखना सिखाने के लिए आप इस तरीके से बुक का यूज कर सकते हैं जैसे कि बुक में लिखा है हाउ मेनी केक्स डू यू सी यहाँ पे काउंट करना भी है कि आप कितने केक हैं तो वन तो यहाँ पर आप वन लिख सकते हैं हाउ मेनी बेलून्स डू यू सी टू बेलून्स तो हेयर टू तो इस तरीके से काउंट करना भी इंक्लूड होता है जब आप नंबर्स लिखना सिखाएं तो आप इस तरीके से ट्रेस करके अगर आपके पास बुक है तो आप इजीली ट्रेसिंग और इस तरीके से लिखना सिखा सकते हैं अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है आप इस तरीके से बच्चों को लिखना सिखा सकते हैं कॉपी में बनाकर मैंने वन से फाइव तक के नंबर्स आपको बताए हैं आप वन से टेन तक के नंबर्स बना कर बच्चों को ईजिली सिखा सकते हैं पहले आप खुद नंबर लिखें आप इस तरीके से लिखना सिखाएं या फिर आप वन पेज में वन लेटर ही सिखाएं जिसमें आप वन लेटर ऊपर लिख दें एंड देन पूरी पूरे पेज में सिर्फ इस तरीके से ट्रेसिंग करके दे दें सेम एज़ इट इज फॉर नंबर टू आप नंबर टू लिख दें एंड देन पूरे पेज में ट्रेस करने के लिए दें नंबर थ्री नंबर फोर इस तरीके से आप वन से तक के नंबर्स इजीली बच्चों को ट्रेस करवा के सिखा सकते हैं जब बच्चे ट्रेसिंग करना सीख जाए उसके बाद आप उन्हें सिर्फ इस तरीके से नंबर लिख दें एंड देन आप उन्हें बनाने के लिए दें नंबर टू लिख दें एंड नंबर टू लिखने के लिए दें तो वो ईजिली लिख लेंगे तो इस तरीके से हम बच्चों को नंबर्स की वन से तक की इजिली प्रैक्टिस करवा सकते हैं आप इस तरीके से नंबर वन बना लें और आप ट्रेस uh, करने के लिए दे दें नंबर टू बना ले, ट्रेस करने के लिए दे, थ्री बना ट्रेस करने के लिए दे, जब बार बार आप ट्रेसिंग करवाएंगे तो बच्चे इजीली सीख जाएंगे और आप फिर उन्हें इस तरीके से डायरेक्ट नंबर बनाने के लिए दे, विदाउट ट्रेसिंग तो बच्चे इजीली सीख जाएंगे ज, जिस ये नंबर वन इस तरीके से ट्रेसिंग करवाएं फिर नंबर टू आप बच्चों को बताएं कि यहाँ से स्टार्ट करना है देन यहाँ पर मूव करना है क्योंकि बच्चों को नहीं पता है कि हमें कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ पर एंड करना है तो आप उनके सामने पहले खुद बनाएं उनको बनवाएं एंड देन आप उन्हें इस तरीके से ट्रेस करवाएं तो बच्चे इजीली ट्रेसिंग करना सीख जाएंगे और नंबर्स सीख जाएंगे जब आप बच्चों को वन से टेंथ तक के नंबर सिखा दें उसके बाद आप इलेवन से ट्वेंटी तक के नंबर्स सिखाएं वन से टेन तक सिखाने के बाद इलेवन टू ट्वेंटी पर मूव करें आफ्टर देन आप वन से ट्वेंटी तक पूरे नंबर सिखाएं जब आपने वन से ट्वेंटी तक के नंबर सिखा दिए उसके बाद आप ट्वेंटी वन टू थर्टी पर मूव करें एंड देन आप आगे मूव करें एंड वन से फिफ्टी तक के टोटल नंबर्स आप इस तरीके से सिखा सकते हैं स्टेप बाय स्टेप बच्चों को थोड़ा टाइम दे धीरे धीरे स्लोली स्लोली करवाएं। कोई जल्दी नहीं है कि हमें आज ही पूरी नंबर सिखाना है स्टेप बाय स्टेप आप वन से टेन तक के नंबर्स पहले सिखा दें देन आप आगे मूव करें जब बच्चों को वन से टेंथ के नंबर्स लर्न हो गए तो वो आगे बहुत जल्दी सीख जाएंगे तो पहले आप उन्हें वन से टेंथ के नंबर्स अच्छे से लर्न करवा दें तो इस तरीके से हम बच्चों को इजीली नंबर्स लिखना सिखा सकें उसके अलावा राइटिंग वर्क में वन से फिफ्टी तक उसके बाद काउंट करना मिसिंग नंबर्स एंड सिक्वेंसिंग होती है ये मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी कि आप किस तरीके से बच्चों को नंबर्स की प्रैक्टिस करवा सकते हैं काउंटिंग मिसिंग नंबर्स सिक्वेंसिंग ये सब आने वाले वीडियो में देखेंगे जिसमें हम नंबर्स के बच्चों को प्रैक्टिस ईजिली करवा सकते हैं तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने देखा कि हम बच्चों को नंबर्स किस तरीके से लिखना सिखा सकते हैं आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने सारे फैमिली फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना जिनके भी बच्चे लर्निंग स्टेज में हैं ताकि वो भी इन सिंपल एंड ईजी वेज़ में अपने बच्चों को पढ़ा सके और बच्चे ईजिली वो चीज़ें पढ़ सकें हम मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय Stay home, stay healthy, take care.